जो भी चाहिए Z5 ऐप पर, बस Z5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। वेदिका और साहिल की इस अनोखी प्रेम कहानी में जुड़ चुकी है पंक्ति नाम की कड़ी, जहां एक तरफ जाने अनजाने साहिल कर रहा है अपना फर्ज अदा वेदिका की जिंदगी में, वहीं साहिल पंक्ति की नजदीकियां क्या कर रही है इशारा साधिका के प्यारे जहान में किसी आने वाली दूरियों का। क्या इन दोनों के इश्क में विधाता लिख रहा है कोई नया अध्याय, जानिए सिर्फ आपके आ जाने से में। हमने उस वेदिका को नुकसान पहुंचाने के लिए कहा था। हमारी बेटी को किसी तरह का नुकसान पहुंचा सकते। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे हवाले करेंगे, तुम हमारे परिवार से दूर रहो। पंक्तिका वेदिका को दिया वादा दिखाने लगा है असर, साहिल वेदिका की प्रेम कहानी में प्यार की ये अनोखी दास्तान क्या जीने लगी है फिर से एक बार अपने अतीत के पल, क्या रंग डालेगी बड़ी अम्मा तेज प्रताप के संग इन तीनों की जिंदगियों में, क्या कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है पंक्ति और उसकी माँ के खिलाफ जो बदल देगा जिंदगियां इन सब की, देखिए आपके आ जाने से में अब सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे। आपने मेरी और मेरी माँ की बेइज्जती की, लेकिन मैं यहाँ पर अभी तक सिर्फ इसीलिए रुकी हूँ क्योंकि मैंने वादा किया है किसी को मिलाने का। पंक्ति, किस वादे की बात कर रही हो तुम? अगर मैं इतने गुस्से में नहीं होती तो शायद कभी कुछ नहीं कहती, लेकिन अब लगता है मुझे बताना ही पड़ेगा। साहिल और वेदिका की इस अनोखी प्रेम कहानी में बाकी है अभी कुछ और पल भी खुशियों के। पंक्ति दे रही है साथ वेदिका का एक बार फिर इस कहानी को मुकम्मल करने के लिए, पर बड़ी अम्मा का डर और तेज प्रताप के खिलाफ उठाई इस आवाज में क्या मुमकिन हो पाएगी साधिका के प्यार की ये अनोखी दास्तान? देखिए आपके आ जाने से में अब सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे। सॉरी वेदिका जी, पर पता नहीं क्यों आपके पास आता तो एक अलग ही एहसास होता मुझे। ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच एक अलग ही कनेक्शन है। वैसे महसूस तो मैं कर पा रहा हूं लेकिन समझ नहीं पा रहा। जाने में देखिए जी, अपने आप में आपकी तरफ खींचा चले जाता हूं। सॉरी, आप सोच रही होंगी कि मैं अपनी हद पार कर रहा हूं, लेकिन वेदिका जी ये जो कुछ हो रहा है वो मेरे हाथ में नहीं है, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा मैं आपसे वादा करता हूं वेदिका जी, इसके बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। चाहते हैं सुना
ये एहसास तुम्हारा प्यार है साहिब, जो मेरे लिए है तुम्हारे दिल में, पर तुम्हें याद नहीं। ये एहसास हम दोनों के गहरे रिश्ते का है, जो तुम्हारी हर सांस महसूस कर रही है। थैंक यू, थैंक यू भगवान। साहिल फिर से मेरी तरफ की जा रहा है, फिर से उसके दिल में वही प्यार जाग रहा है। शायद अब मैं बहुत जल्द साहिल को सच बता पाऊं कि हम दोनों पति पत्नी हैं। आर्या वेद, हमारा होने वाला बच्चा, ये हमारी फैमिली है। शायद अब ये सब सुनकर उसे धक्का नहीं लगेगा। वेदिका जी, मुझे लग रहा है कि उसे फिर से आपसे प्यार होने लगा। अभी क्या, अभी जाइए, उसे सब कुछ बता दीजिए। आज मैं बता दूंगी उसे कि हम क्या हैं एक दूसरे के। वेदिका जी, थैंक गॉड आप आ गए। मैं आपके पास आने वाला था। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, क्या हम दोनों के बीच कुछ कुछ स्पेशल है? हाँ। गुड डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए कि एक तरफ पर्व और रेवती कर रहे हैं शादी, जिससे है गुड डन अनजान, और दूसरी तरफ मकर संक्रांति प्रतियोगिता में इतने कम समय में कैसे गुड डन साबित कर पाएगी कि उससे सब हो पाएगा। जानने के लिए देखते रहिए गुड डन तुमसे ना हो पाएगा के मकर संक्रांति स्पेशल एपिसोड, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ जी टीवी पर। तुम तो रुक जाओगे कभी, मगर इन सब पे हुक्म चलाने से हमें कैसे रोकोगे? इससे जीनत भाभी, क्या है ये? तो आप सबको ये बात पता होगी कि अपनी इज्जत अपने हाथों में होती है। अगर तुम्हारे फैमिली की ये हालत है तो तरुणी इन सब के लिए काफी है। नहीं काफी हो, समझे तुम? ये हरकत मैं भी कर सकता था अभिषेक, पर मैं तुम्हारे लेवल पर गिरूंगा नहीं। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि मुझसे नजर मिलाकर बात कर सकूं। अरे इन लोगों को लगता है कि लड़की वाले ना तो सर झुका के चलेंगे, लड़की दे रहे हैं समझे, और देने वाले का सर और हाथ हमेशा ऊपर रहता है। वो फोन सिर्फ और सिर्फ मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि उस फोन में मेरी जन्म कुंडली है। जब सातन की मौत आती है तो वो शेखुआ की तरफ भागती है। मांझी को कस के पकड़ने से हाथ भी कट सकता है। मुझे पूरा भरोसा है कि जीत तुम्हारी ही होगी। नहीं मल्हार जी, जीत हमारी होगी। किस्मत फिर ले रही है शान और अस्मिता के प्यार का इम्तिहान। कैसे इन अनचाहे रिश्तों को उन दोनों का प्यार झेल पाएगा? क्या उनका पवित्र प्यार कर पाएगा इस अग्नि परीक्षा को पार? क्या होगा इनके रिश्ते का अंजाम? जानने के लिए अगला एपिसोड मिस मत कीजिएगा।